विथ माई लवली डी एस एल आर, मेरा बहुत ही प्यारा सा डी एस एल आर है, दो साल से यूट्यूब में मुझको हेल्प कर रहा है, और मेरा ये नया GoPro. So this is the all about मेरे एक हाथ में है GoPro और दूसरे हाथ में DSLR. तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, कौन सा आप खरीदोगे, GoPro खरीदोगे और DSLR खरीदोगे? इस दोनों का एक बहुत ही फेयर कंपैरिजन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ. दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और लगभग मैं 3 साल से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ. तो मैं DSLR इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो DSLR, एक कैनन का और एक निकॉन का, लगभग 3 साल से, सॉरी 2.5 साल से. उसके पहले मैं मोबाइल इस्तेमाल करता था, और अभी फ़िलहाल मैं कुछ महीनों से आई एम यूजिंग दिस GoPro एक्शन कैमरा Hero 8. तो क्या खरीदना चाहिए, किन जगह पे आपको पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आपका ये बहुत ही ओर्थ ऑफ मनी होगा. तो पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलेगा. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो देखिए, पहले ये दोनों ही कैमरा है, दोनों में वीडियो आता है, दोनों में ही स्टील फोटो आप क्लिक कर सकते हो. बट द थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आपका जो पर्पस है उस हिसाब से आपको कैमरा चूज करना है, आपको कैमरा सिलेक्ट करना है. सो वन आफ्टर वन मैं आता हूँ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. तो पहला चीज़ है, सपोज अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ व्लॉगर, तो अगर आप सिर्फ व्लॉगिंग करना चाहते हो, ट्रैवल व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग, घूमने फिरने का व्लॉग, ऐसे ही आप लाइफ का काला चिट्ठा आप दिखा रहे हो व्लॉग में, तो ऐसा व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो मेरा मानना ये है भाई, GoPro इज द बेस्ट कैमरा एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली कैमरा है. सो इसका दाम है, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, पैसा का थोड़ा कम है, सो डोंट गो विथ GoPro 8, GoPro 9, आप खरीदो GoPro Hero 7 ब्लैक. ब्लैक वाला क्यों खरीदना है, क्योंकि ब्लैक में अगर आप इसका जो बैटरी, इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, 2-3 बैटरी है, अगर आप एक बैटरी खत्म हो गया आउटडोर में, दूसरा बैटरी आप लगा सकते हो. तो लगभग GoPro Hero 7 ब्लैक का दाम कितना होगा, अगर ऑफलाइन खरीदोगे, विदाउट बिल खरीदोगे, वारंटी के विदाउट वारंटी खरीदोगे, 22,000 से 23,000 आपको मिल जाएगा, क्योंकि GoPro का सर्विस सेंटर हर शहर में नहीं होता है. मैं रहता हूँ कोलकाता में, कोलकाता में सर्विस सेंटर नहीं है, तो कोलकाता के अगर मैं विद वारंटी खरीद लेता तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता. सपोज मान लो 2 साल का वारंटी, 1 साल का वारंटी है, खरीद के मैं नेचुरली पॉसिबल नहीं है मुंबई जाकर मैं इसको रिपेयर करूँ, ठीक करूँ, तो मुझको लोकल किसी टेक्नीशियन बंदे को ही मुझको देना पड़ेगा, तो वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं है. Hero 8 का प्राइस है कोलकाता में ऑफलाइन विदाउट वारंटी 28,000, और Hero 7 ब्लैक का दाम है 22,000 से 23,000 ऑफलाइन, दुकान में मेट्रोगोली में जाकर खरीद सकते हो. अगर आप फ्रेशर हो, यकीन मानो, बिलीव मी, Hero 7 ब्लैक ही बेटर होगा अगर आप सिर्फ व्लॉग करना चाहते हो. बट अगर आपका पर्पस डिफरेंट है, अगर आप कुछ दूसरे कैटेगरी के वीडियो बनाना चाहते हो, ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आप समथिंग लाइक कुछ एक जगह पे बैठकर आप टेक वीडियो बनाना चाहते हो, तो उसके लिए GoPro इज नॉट ओके. उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा DSLR, बिकॉज DSLR में बहुत ही मैनुअली फंक्शन बहुत ज़्यादा है, जूम, ऑल दिस थिंग्स, एक्सपोजर, ISO, शटर स्पीड, बहुत ही फंक्शनल फैक्टर्स है. सो DSLR विल बी परफेक्ट. बट मेरा मानना ये है, अगर आप दोनों पर्पज से खरीदना चाहते हो, सपोज आप कुछ अलग से वीडियो बनाओगे, लाइक टेक वीडियो, लाइक आप वाइंस वीडियो, एडुकेशनल वीडियो, और अगर आप दूसरे ब्लॉग चैनल भी करना चाहते हो, तो सभी पर्पज के लिए DSLR इज बेस्ट, क्योंकि GoPro है ओनली फॉर द व्लॉगिंग एक्शन कैमरा. और ये कैनन का 200D, कैनन का 200D का प्राइस मेरा पड़ा सबसे 2 साल पहले लगभग 40,000. अगर आप लेंस, किट लेंस, जो 18-55 लेंस आता है, दैट इज़ अमेजिंग, उस लेंस से ही काम चल जाता, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है. बट DSLR से ब्लॉक का एक प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज अगर DSLR को अगर आप गोरिल्ला पॉड है यहाँ पर नीचे, गोरिल्ला पॉड लगा कर अगर आप हाथ में लेकर जब आप बाहर जाकर ऐसे शॉटगन लगा कर आप शूट करोगे, कुछ बोलोगे, हेलो गाइस, आज शुरू करने जा रहा हूँ आज का व्लॉग, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पहाड़ में जितने भी रास्ते में अगर आप लोग देखोगे, यू विल फाइंड सब काम धाम छोड़ के दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, वहाँ के फार फार के आपको देखने लगा, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग. आउट ऑफ इंडिया में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं पहला जो मैं ट्रैवल ब्लॉग किया था, दैट इज़ इन थाईलैंड, वहाँ पर लोग ऐसे कोई देखता देखता नहीं है, लोग एंजॉय करते हैं आपको देखकर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि लोग यूज टू है. पर कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, बिहार में, यूपी में, कहीं पर DSLR लेकर रास्ते में निकल जाओ, बस में, ट्रेन में अगर व्लॉग करना चाहते हो, तो भाई आपको इतना बेइज्जती,
बिज्जत होना पड़ेगा, लोग साइड से कमेंट करेगा, बोलेगा ए टिकटॉक ए यूट्यूबर, ये देखो देखो प्रेस वाले आए हैं, ये शूटिंग चल रहा है, ऐसे इतना साइड तक होता है, लोग आपको साइड टॉक से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बट गोप्रो को अगर आप मान लो, इसका जो ये वाला जो स्टिक है, मैं सेल्फी स्टिक को मैं उतार देता हूँ, लेट मी ओपन द सेल्फी स्टिक, मैं दिखाता हूँ कितना ईजी है फॉर द व्लॉगिंग GoPro। जस्ट देखो एक जस्ट खिलौना जैसा, इट जस्ट ये स्ट्रिप GoPro नहीं दिया, ये स्ट्रिप मैंने अलग से लगाया है, अगर ऐसे हाथ में पकड़ कर, मैं ऐसा अगर पकड़ के आप जस्ट व्लॉग करोगे। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम इन न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो, चिल मार सकते हो। तो चलिए आप थोड़ा सा घूम के आते, तो ऐसे हाथ में पकड़ कर आप रास्ते में व्लॉग करोगे, यकीन मानो किसी को समझ में नहीं है, लोग समझ गया कोई खिलौना मिलौना पकड़ के आप शूट कर कुछ बोल रहे हो, एंड दे डोंट गिव यू द प्रायोरिटी। तो ही तो चाहिए लोगों का इंटरेस्ट, आपको लोगों का अटेंशन ज़्यादा नहीं चाहिए, सो दिस इज़ द थिंग। तो अगर आप व्लॉग करते करते किसी, सपोज मान लो किसी दोस्त बंदे के साथ बात कर रहे हो, एक कैमरा उठाकर सामने जब आप ऐसे लेंस को खोल कर ऐसे मोड़ कर अगर आप बात करोगे ऐसे खोल के, तो भाई इससे मैं बात कर रहा हूँ किसी अननोन लोगों के साथ रस्ते में, एक व्लॉग करते करते होता है, मेरे एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, DSLR को देख कर ही लोग बहुत ही कॉशियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसको जो बोलना था वो थोड़ा सा कम बोलते हैं और कोई तो बात करना भी नहीं चाहता है। पर अगर ऐसे GoPro को पकड़ कर आप किसी से बात करोगे, ऐसे ही पकड़ के बात करोगे, तो लोग विल बी वेरी मच नेचुरल टू टॉक टू यू, दे वोंट हैव द एनी मच प्रॉब्लम, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए GoPro इज़ बेस्ट। अगर आप व्लॉग के साथ दूसरा टेक्निकल काम करना चाहते हो तो आप DSLR खरीद सकते हो, दोनों का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। और GoPro का एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगता है, GoPro का जो वाइड फ्रेम, मीन्स अगर GoPro को मैं जैसे मान लीजिए इतना, ठीक इतना सामने में रखूँ, इतना जस्ट इतना सामने रखकर बात करूँ, आपको वाइड फ्रेम मिलेगा, लेट मी शो यू, इतना सा यू विल गेट, इतना बड़ा वाइड फ्रेम आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है मेनली व्लॉगिंग के लिए, ट्रैवल व्लॉग के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, इस कहाँ पर हो भी आपको दिखाई देता है। बट DSLR का प्रॉब्लम क्या है, DSLR का जो किट लेंस आता है 18-55 जो किट लेंस आता है उसमें इतना वाइड फ्रेम नहीं आता, उसमें बहुत ही फिशाई वाला इफेक्ट, मीन्स आपका कैमरा के लेंस में ऐसे ही आपको छोटा करके फेस आएगा, ये देखना अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आपको दूसरा वाइड लेंस खरीदना पड़ेगा, जिस लेंस का नाम है 10-18। ओके, मेरे पास भी है 10-18, उसका प्राइस है लगभग 16,700 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था मेरा। सो दिस इज द ऑल अबाउट द फेयर कंपटीशन, पर्पस क्या है डिसाइड करो, सोचो व्हाट इज योर पर्पस, उसके बाद कैमरा में इन्वेस्ट करो। DSLR के हेवी है, एक GoPro बहुत छोटा है, बट GoPro हर जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे जो मैंने बोला जो एडुकेशन वीडियो में कि आप घर में शूट कर रहे हो, GoPro इज नॉट फॉर गुड, बिकॉज GoPro में साउंड के लिए आपका दूसरा एडाप्टर खरीदना पड़ता है, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो DSLR इज गुड, DSLR में आप छोटा सा ऐसे जो बोया का माइक लगा लो, 800 रुपए का माइक, आप क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड मिलेगा। सो भाई दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो, सिंपल सिंपल कंपैरिजन मैंने किया विथ माई लवली DSLR, मेरा बहुत ही प्यारा सा DSLR है, 2 साल से यूट्यूब में मुझको हेल्प कर रहा है, और मेरा ये नया GoPro। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस इज द ऑल अबाउट टुडेस व्लॉग, होप सो यू एंजॉयड आज का व्लॉग, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी कुछ जानना चाहते हो कॉमेंट्स करो, श्योर शुड आई रिप्लाई ऑफ योर कॉमेंट्स। सो दोस्तों मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाइयों बहनों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।